फोर्टनाइट जो है वो रिलीज़ हो चुकी है। अब एंड्रॉयड पे बीटा वर्जन जो है वो लॉन्च हुआ है अभी, जो कि सैमसंग गैलेक्सी डिवाइसेस को मिलेगा, और कुछ दिन में जो है वो ये गेम बाकी के एंड्रॉयड फ़ोन्स पे भी आ जाएगी। तो डेवलपर ने बताया है कि कुछ दिन लगेंगे, मतलब पहले रूमर था कि 30 से 35 दिन लगेंगे, लेकिन अब बता रहे हैं कि शायद जल्दी आ जाएगी। तो 7-8 दिन में या 10-15 दिन में ये गेम बाकी के भी डिवाइसेस पे आ सकती है। तो मेरे पास है सैमसंग का गैलेक्सी S7, जिसपे हम ये गेम प्ले करके देखेंगे और देखते हैं कि ये गेम कैसी चलती है। और अगर हम बात करें फोर्टनाइट को, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं या इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आप इसके एंड्रॉयड बीटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपना ईमेल आपको जाके एपिक गेम्स की साइट पे देना होगा, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जहाँ पे आपको जाके अपना ईमेल देना है ताकि आप गेम्स के लिए रजिस्टर हो जाएं। उसके बाद आप जब साइन अप करेंगे, उसके बाद आपको एक इन्वाइट आएगा और फिर आप ये गेम डाउनलोड करके अपने फ़ोन पर खेल सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये गेम जो है काफ़ी डिमांडिंग है, काफ़ी हैवी है, और सैमसंग गैलेक्सी S7 में भी ये लो सेटिंग्स में चल रही है। इसमें आता है जो मेरे पास वर्जन है, इसमें एक्जीनॉस 8890 है, और इनफैक्ट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 820 पे भी ये लो सेटिंग्स पे ही चलेगी, उससे ज़्यादा सेटिंग्स पे गेम नहीं चलेगी। तो जो एपिक गेम डेवलपर है, इन्होंने एक लिस्ट भी दी है स्मार्टफोन्स की जो कंपैटिबल हैं इसके साथ। अभी जो कंपैटिबल हैं वो तो सैमसंग के फ़ोन्स हैं, लेकिन उसके बाद ये काफ़ी सारे प्रीमियम डिवाइसेस पे आएगी। करंटली जो स्मार्टफोन्स इसके साथ कंपैटिबल हैं, वो है सैमसंग का गैलेक्सी S7, S7 एज, सैमसंग S8, S8 प्लस, सैमसंग S9, S9 प्लस, नोट 8, नोट 9, और सैमसंग गैलेक्सी टैब S3 और गैलेक्सी टैब S4। और जब बाद में ये गेम आएगी, तो भी उन्होंने एक लिस्ट दी है जिसमें उन्होंने डिटेल्स दी हैं कि आप ये गेम कौन कौन से स्मार्टफोन्स पे खेल पाएंगे। तो मैं जो लिस्ट में देख पा रहा हूँ, वो सारे के सारे हाई एंड फ़ोन्स हैं, जैसे कि पिक्सल, पिक्सल एक्सल, पिक्सल 2 एक्सल, पिक्सल 2 रोग फ़ोन, असुस ज़ेनफोन 4 प्रो, 5Z, असेंशियल फ़ोन, होनर 10, होनर प्ले, मेट 10, LG G6, G7, नोकिया 8, OnePlus 5T, 6, रेजर फ़ोन, शाओमी के फ़ोन हैं जैसे MI8, MI8 SE, MI Max, MI Max 2। तो ये सारे फ़ोन्स जो हैं वो सारे के सारे हाई एंड फ़ोन्स हैं, और लो एंड फ़ोन्स के बारे में मुझे लग रहा नहीं पा रहा है कि ये गेम चल पाएगी, जैसे कि स्नैपड्रैगन 450 है, या 430, 435, 425, या फिर स्नैपड्रैगन इवन 625 के लिए भी गेम मुश्किल हो जाएगी। अभी मुझे लग नहीं रहा है कि ये शायद स्नैपड्रैगन 636 भी इसे पुल कर पाएगा, शायद चल पाए स्नैपड्रैगन 636 और हायर में, बट उससे नीचे वाले प्रोसेसर्स में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इस गेम का चलना। और एक डेवलपर ने एक और ऑप्शन दिया है इसमें कि आप मिनिमम कितनी सेटिंग्स आपके फ़ोन में होनी चाहिए, जो सपोर्टेड लिस्ट है उसके अलावा भी उन्होंने दिया है। तो आपका 64-bit एंड्रॉयड होना चाहिए, और जो कि आपका मोस्टली अगर आप एंड्रॉयड नॉगेट या एंड्रॉयड ओरियो पे हैं तो डेफिनेटली कोई इशू नहीं है। रैम 3 GB और हायर होनी चाहिए, और एड्रिनो 530 और हायर होना चाहिए। एड्रिनो 530 आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 820 में, तो डेफ़िनेटली अगर 835 है आपके पास या फिर 845 तो डेफ़िनेटली चलेगी, बट स्नैपड्रैगन 660 में भी चल जाएगी मेरे हिसाब से, और उसके ऊपर के जितने भी प्रोसेसर्स हैं उसमें गेम आराम से चल जाएगी। और अगर हम एप्पल की बात करें तो डेफ़िनेटली उस पर तो चली जाती है, या अगर आप iPhone 10 है आपके पास, iPhone 8, 8 प्लस या 7, 7 प्लस है। तो ये सारी चीज़ें हैं इस गेम को लेके, काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है ये, और काफ़ी पॉपुलर भी है ये गेम, और ऑलमोस्ट 1.2 करोड़ प्लेयर्स हैं इसके PS4, एक्सबॉक्स और PC प्लेटफॉर्म और iOS को मिला के। तो अब ये गेम आ चुकी है एंड्रॉयड पे, तो देखते हैं हम इसका कुछ कुछ गेम प्ले, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जल्दी ही बाकी के सब लोगों के लिए भी आ जाएगी। वैसे मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप इस गेम को डाउनलोड कर सकते हैं। इनफैक्ट आप एंड्रॉयड बीटा डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप सैमसंग डिवाइसेस पे हैं, और अगर आपके पास सैमसंग डिवाइस नहीं है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं गेम को डाउनलोड करने के लिए। कि कुछ क्वेरीज हैं या अगर आपको कुछ भी पूछना है फोर्टनाइट को लेके, या कि आपको कुछ जानना है कि अगर आप ये गेम आपके फ़ोन में चलेगी या नहीं चलेगी, तो डेफ़िनेटली आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा आपके कमेंट का आंसर करने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियो बनाते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।